धूमिल की लंबी कविता पट कथा के इस चौथे चरण में कविता से गुजरते हुए धूमिल ने जो सामाजिक सच, जो यथार्थ की ध्वनियां और इस सामाजिक सच के बीच आम आदमी कहाँ है और उस आम आदमी के सपनों को क्यों कर छला जा रहा है, सपने कहाँ टूट रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए धूमिल जैसे सामाजिक यथार्थ के सरल सपाट बयानी में बेबाक बात करने वाले कवि को पढ़ा जाना और उनके यथार्थ पाठ से गुजरना, कविता की उस सच्चाई को जानना है जो एक कवि अपने आसपास के संसार में घटित देश को देखते हुए यथार्थ संवेदन से जिन सपनों के तारों को बुनता है उनका साक्षात्कार धूमिल की पटकथा लंबी कविता कराती है। कविता से गुजरते हुए इस सच को देखें, मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैंने यह किसको कहा था, शायद अपने आप को, शायद उस हम शक्ल को जिसने खुद को हिंदुस्तान कहा था, शायद उस दलाल को, मगर मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। मेरी नींद टूट चुकी थी, मेरा पूरा जिस्म पसीने में सराबोर था, मेरे आसपास से तरह तरह के लोग गुजर रहे थे, हर तरफ हलचल थी, शोर था। कुछ लोग कह रहे थे कि इन दिनों एक खास परिवर्तन हुआ है, जनता जगी है, सब प्रभु की माया है, एक लंबे इंतजार के बाद चीजों का असली चेहरा उजाले में आया है। और मैं चुपचाप सुनता हूं, हाँ शायद मैंने भी अपने भीतर कहीं बहुत गहरे कुछ जलता हुआ सा छुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ है नींद में हुआ है, और तब से आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जागकर गुजार दी हैं, हफ्तों पर हफ्तों तक किए हैं अपनी परेशानी के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। और हर बार मुझे लगा है कि कहीं कोई खास फर्क नहीं है, जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। हाँ यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई हैं, कुछ तबादले हुए हैं, कल तक जो नहले थे आज दहले हुए हैं। हाँ यह सही है कि इन दिनों मंत्री जब प्रजा के सामने आता है तो पहले से कुछ ज्यादा मुस्कुराता है, नए नए वादे करता है, और यह सब सिर्फ घास के सामने होने की मजबूरी है, वरना उस भले मानुष को यह भी पता नहीं है कि विधानसभा भवन
और अपने निजी बिस्तर के बीच कितने जूतों की दूरी है। हाँ, यह सही है कि इन दिनों चीजों के भाव कुछ चढ़ गए हैं। अखबारों के शीर्षक दिलचस्प हैं, नए हैं। मंदी की मार से पट पड़ी हुई चीजें बाजार में सहसा उछल गई हैं। हाँ, यह सही है कि कुर्सियां वही हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं, और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उछल उछल कर अपनी जगहें बदल रहे हैं। चढ़ी हुई नदी में, भरी हुई नाव में, हर तरफ विरोधी विचारों का दलदल है। सतहों पर हलचल है, नए नए नारे हैं, भाषण में जोश है, पानी ही पानी है, पर कीचड़ खामोश है। मैं रोज देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर कुर्सी से चिपक गया है। उसमें न हया है न दया है, नहीं अपना कोई हमदर्द यहां नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज दी है, हर एक का दरवाजा खटखटाया है, मगर बेकार मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसको मादा पाया है। वे सब के सब तिजोरियों के दुहासिए हैं। वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। भूख और भूख की आड़ में चबाई गई चीजों का अक्स उनके दांतों पर ढूंढना बेकार है। समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है, मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। यहां जनता एक गाड़ी है, एक ही संविधान के नीचे भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है, लेकिन क्या यह सच है? या यह सच है कि अपने यहां संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है? और यदि यह सच नहीं है तो यहां एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? जिसने सत्य कह दिया है उसका बुरा हाल क्यों है? मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूं जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी हैं, हफ्तों पर हफ्ते तह किए हैं। ऊब के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार, संशय की अनिश्चित ठंडी मुद्राएं हैं। हर तरफ शब्द वेदी सन्नाटा है, दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूटता हुआ, घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की ही तरह आज भी मेरा कारागार है। यह देश, यह व्यवस्था, यह संरचना लगातार परिवर्तन की उम्मीद में एक यात्रा कर रही है, एक गतिमान रास्ते पर है, पर सच आम आदमी का हिंदुस्तान और आम आदमी की यथार्थ दुनिया अभी बहुत दूर है उन सपनों से जो सपने आजादी के आंदोलन के दौरान और आजादी के बाद
लोकतंत्र में लोकतंत्र की शुरुआत के साथ जो सपने आम आदमी ने, देश की जनता ने और देश ने लिए थे, वे सपने कहां जाकर छूट गए? क्यों सपने सपने ही रह गए? यथार्थ में क्यों नहीं बदलाव आया? इन सारे प्रश्नों को खोलते हुए पटकथा कविता रील की तरह दिमाग पर झन्नाटेदार हथौड़ा मारते हुए चलती है। मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैंने यह किसको कहा था, शायद अपने आप को, शायद उस हम शक्ल को जिसने खुद को हिंदुस्तान कहा, शायद उस दलाल को, मगर मुझे ठीक ठीक याद नहीं। यह ठीक ठीक याद न होना आखिर है क्या? यह हमारी बेबसी है या कह न पाने की मजबूरी है? इसलिए आम आदमी कहीं स्मृति में खो जाता है, कहीं नींद के जंगल से गुजरने लगता है, और हम सब नींद के जंगल से गुजरते हुए बहुत सारे बदलावों को सपने में देखते हैं, पर वास्तविक दुनिया में हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी इस नींद के जंगल को और बढ़ाती है। मेरी नींद टूट चुकी थी, मेरा पूरा जिस्म पसीने में सराबोर था, मेरे आसपास तरह तरह के लोग गुजर रहे थे। लगातार इस संरचना में, इस परिवर्तन के दौर में वे बहुत सारे लोग जो इसके इस पहिए के तीली हैं, जो इस व्यवस्था की तीली हैं, वे बहुत सारे लोग सामने से गुजरते हैं। सबको मालूम है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कहीं न कहीं बीच का दलदल, कीचड़ हम छोड़ देते हैं, जहां जनता, आम आदमी और हिंदुस्तान उस दलदल में, उस कीचड़ में फंसा हुआ है, वह निकल नहीं पाता। कुछ लोग कह रहे थे कि इन दिनों एक खास परिवर्तन हुआ है, जनता जगी है, जनता के जगने की उम्मीद। हर समय जनता को सपने दिखाने वाले लोगों के बीच भी होती है, और जनता के लिए जो लोग सपने देखते हैं, जो कवि हैं, कलाकार हैं, सृजनकार हैं, उनके बीच भी जनता को जगाने की कसम कस चलती रहती है, और सब इस उम्मीद में चलते हैं कि जनता जगी है। एक लंबे इंतजार के बाद चीजों का असली चेहरा उजाले में आया है। एक समय के बाद चीजें बदली हैं, और जो है जैसा है वह अंधेरे से छन कर उजाले में सामने आया है, और मैं चुपचाप सुनता हूं। हां, शायद मैंने भी अपने भीतर कहीं बहुत गहरे को चलता हुआ सा छुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ है नींद में हुआ है। यह कब तक नींद में होना और न होना चलता रहेगा? नींद से हम कब निकलेंगे? नींद से हम कब जागेंगे? कोई खास फर्क नहीं, जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं। यह सच्चाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार हम इसी तरह चलते चले जा रहे हैं, हमारे पास
कोई तर्क नहीं है। हां यह सही है कि इन दिनों कुछ अर्जियां मंजूर हुई हैं, कुछ तबादले हुए हैं और अब पहले से भी ज्यादा समझदारी से, सातिरपने से जनता को दबाने का, जनता को सुलाए रखने के नए नए तरकीब ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढ लिए गए हैं। अब जनता के को भविष्य का सपना दिखाने वाले लोग जनता के सामने विनम्रता से मुस्कुराते हुए आते हैं, जनता को बराबर ये एहसास कराते हैं कि बहुत अच्छे अच्छा समय आने वाला है, परिवर्तन होगा, व्यवस्था बदलेगी और अंत में जनता क्या पाती है कि टोपियां बदल गई हैं, लोग वही के वही हैं। जो परिवर्तन होता है वह ऊपर ऊपर होता है, मूल में चरित्र में कोई बड़ा परिवर्तन जनता के सामने नजर नहीं आता। बस ये लगता है कि इस रंग की जगह और दूसरा रंग आ गया, इस टोपी की जगह दूसरी नई टोपी आ गई, इससे व्यवस्था के जो कल पुर्जे हैं वह अपनी जगह पर बने रहते हैं और जैसा पहले होता था वैसा ही अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा और इसके बीच जनता निरंतर पिसती हुई चली आ रही है। हर तरफ दलदल है, सतहों पर हलचल है, नए नए नारे हैं, भाषण में जोश है, पानी ही पानी है। मैं रोज देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया और ठंडा होने पर फिर कुर्सी से चिपक गया, उसमें न हया है न दया है। इस तरह चीजें बदलती हैं पर बदलकर जिस रूप में सामने आती हैं उससे आम जनता अपने भीतर कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं करती। वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषी हैं, यानी सबको अपने मतलब से, अपने धंधे से, अपने पैसे से लेना देना है, किसी को देश से, देश की आम जनता से, देश के चरित्र से लेना देना नहीं है। और क्या कह रहा है कवि कि वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा में बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार। किसी एक को कवि दोषी नहीं ठहरा रहा है। इस हालात के लिए, देश के इस हालात के लिए, आम आदमी के इस यथार्थ चेहरे के लिए वे सब के सब लोग जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर कोई दायित्व है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिनका चेहरा सामाजिक है, पर सामाजिक जिम्मेदारी को न निभाकर वे सब के सब लोग अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं और जब एक तरफ तिजोरियां भरती हैं तो दूसरी तरफ जनता रिक्त होती जाती है, खाली होती जाती है और कंगाली का शिकार होती जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो भूख की आड़ में सोई हुई है, बिलबिला रही है। बेकार है समाजवाद, हम बहुत अच्छे अच्छे नारे दे देते हैं पर उन नारों पर चलना नहीं जानते, उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है, यानी जहां जो चीज होनी चाहिए वहां वो चीज नहीं होती, लिखा कुछ और होता, होता कुछ और है। इस तरह से कवि समझाना चाह रहा है कि जो कुछ हम अपने वचन पत्र में लिखकर वादे करते हैं उन वादों की जगह
होता कुछ और है। यह होने और कुछ होने की स्थिति में कवि देख रहा है कि देश की जो जनता है वह कितना परेशान है, हैरान है। यहां जनता एक गाड़ी है, एक ही संविधान के नीचे भूख से रियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम। भूख के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उसको हमने नक्सलबाड़ी कह दिया, क्रांतिकारी कह दिया, आंदोलन धर्मी कर दिया। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है नैतिक समर्पण, पर जनता के विचारों को कहां तक लेके जाता यह एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहता है। मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूं जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, और आज तक नींद और नींद के बीच का जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी। नींद में ही हम चलते चले जा रहे हैं, लोगों को हांके जा रहे हैं कि अब ये बदलेगा, अब ये बदलेगा, पर जनता जब अपने को खोजती है, पहचानना शुरू करती है, जब देखना शुरू करती है तो उसे लगता है कि अरे हम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं, कुछ भी नहीं बदला, सारा का सारा सच वैसा का वैसा ही रह गया। मैंने कई रातें जाग कर गुजार दी हैं, हफ्तों पर हफ्ते तह किए हैं ऊब के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चय ग्रत ठंडी मुद्राएं हैं, हर तरफ शब्द वेदी सन्नाटा है, दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूचता हुआ घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार। हम परिवर्तन के जो सपने हैं उनको केवल आज नहीं देख रहे हैं बल्कि अर्धशती बीत गई, लगातार हमने ये तय किया कि अब व्यवस्था बदल जाएगी, अब व्यवस्था बदल जाएगी। आम आदमी के हाथ में जो था वह लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से परिवर्तन करना, पर एक समय के बाद लगा कि अरे हम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं, हम उसी कारागार के बंदी हैं जहां से हम निकल नहीं पाते, और इस कारागार में आम आदमी है, देश है, जो देश सपने में अपने वचन में बहुत अच्छे अच्छे नारे, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, पर वास्तविक दुनिया में, वास्तविक जिंदगी में, सच में वो सारे बदलाव, वो सारे परिवर्तन पता नहीं कहां धरे रह जाते। यदि वास्तव में वे परिवर्तन होते तो आज जिस समय ये कविता बयान की जा रही है ये कहने की स्थिति नहीं होती कि पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है, पहले की ही तरह आज भी मेरा कारागार है, आज भी हम अपने उन्हीं कारागारों के बंदी हैं जिसमें किसी जमाने में थे। अभी भी वो सारी स्थितियां वैसी की वैसी हैं, परिवर्तन बहुत हुआ है पर आम आदमी, जनता, सामान्य जन अभी भी अपने को बहुत कुछ छला महसूस करती है। इस छलावे को, इस सच को, इस यथार्थ को धूमिल का कवि बहुत साफ शब्दों में प्रस्तुत करता है और पटकथा के माध्यम से पूरे देश की आम जनता की स्थिति और उसको सपने दिखाने वाले उन सारे लोगों की स्थिति
को समानांतर ध्रुवांतों पर रखकर आंखों के आगे से एक ऐसा रेल गुजारता है कि हम उस सच को पूरी तरह से महसूस कर सकें और इस सच को महसूस कराए जाने के लिए पटकथा जैसी लंबी कविता को बार बार पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए।